नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार के साथ में। बिहार विधानसभा का जो सत्र है वो जारी है और आज तीसरा दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव हो रहा है और एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं विजय कुमार सिन्हा, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से राजद नेता अवध बिहारी चौधरी को खड़ा किया गया है। आमतौर पे परंपराओं से दूर जैसी परंपराएं रही हैं कि सर्वसम्मति से सबको मिलकर के एक स्पीकर को चुन लिया जाता है, वैसा नहीं दिख रहा है। इसमें भी चुनाव हो रहा है और चुनाव कैसे होता है ये हमने आपको बताया ही था कि ध्वनि मत से होता है, हो रहा है चुनाव। लेकिन इससे पहले बिहार विधानसभा में आज कुछ अलग ही हो गया। दरअसल जमकर हंगामा हुआ है, जितने भी विपक्ष के विधायक थे वो वेल में पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे, जिसके कारण प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी को सदन के को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्थगित होने के बाद किस तरीके से सभी विधायक बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको आप अपने हिसाब से अपने विधायक को पहचान सकते हैं इन तस्वीरों में। फिलहाल ये जानकारी दे देते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर के जो है स्थगित किया गया 5 मिनट के लिए सदन को। दरअसल हुआ ये कि स्पीकर का चुनाव हो रहा था, ऐसे में मत डाले जाने थे और इस दौरान दरअसल बात ये हो गई कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि जब सदन में चुनाव हो रहा है तो वे लोग किस हिसाब से सदन में मौजूद हैं जो इस सदन का हिस्सा ही नहीं है। दरअसल उन्होंने नाम लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही साथ मुकेश सैनी और इसके अलावा अशोक चौधरी जो कि नीतीश कैबिनेट के मंत्री भी हैं, उनको खासतौर पर निशाना साधते हुए उनका नाम लिया और कहा कि जब ये लोग दोनों में से किसी सदन के अभी सदस्य हैं ही नहीं तो वो सदन में किस हिसाब से बैठे हुए हैं, यानी किस जो है अधिकार से बैठे हुए हैं। और उनके सवाल उठाने के बाद से ही जो है विपक्ष के सारे नेता जो है सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ हो गए और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आखिरकार जीतन राम मांझी को कुछ देर के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि 5 मिनट के बाद सदन फिर से चालू हुआ और उसके बाद जो है ये वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद फिलहाल काउंटिंग हो रही है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा को कितने मत मिले हैं इसकी अभी जानकारी ली जा रही है और उसके बाद अवध बिहारी चौधरी को क्या कुछ मिला है उसके बाद उसका भी काउंटिंग किया जाएगा और फिर कुछ समय बाद ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार विधानसभा का स्पीकर कौन होगा। इस बार चुनाव के जरिए चुना जा रहा है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ कुछ बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल बात सबसे ज़्यादा चल रही थी AIMIM की, कि ये किस पक्ष में जाएंगे और अगर इनके 5 विधायक हैं जो चुन के आए हैं तो ये जिस तरफ जाएंगे तो शायद उधर कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन खास बात ये रही कि बिहार के AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं अख्तरुल ईमान, जो कि हाल ही में चर्चा में थे अपने हिंदुस्तान वाले बयान को लेकर के, हिंदुस्तान शब्द पे जो सदन में उन्होंने आपत्ति जताई थी उसको लेकर के, उन्होंने साफ तौर पे एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम सर्वसम्मति से जो है एक स्पीकर के पद को स्वीकारें, जब पॉलिसी बनाने की बात हो तो पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठे यही सही होगा। यानी उन्होंने इशारा ये कर दिया कि वो चाहते हैं कि सर्वसम्मति से बात बन जाए, महागठबंधन के पक्ष में AIMIM के विधायकों का वोट जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। ऐसे में क्लियर और साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर एनडीए के कैंडिडेट यानी कि विजय कुमार सिन्हा ही होंगे। हालांकि रिजल्ट अभी नहीं आया है, देखते हैं रिजल्ट आता है कब तक, रिजल्ट आते ही हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।